दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको बता दूं कि मैं डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड करते रहता हूं लाइब्रेरी की वैकेंसी और ट्रेनिंग के लिए। तो आज जो वैकेंसी निकल के आई दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजकोट से निकल के आई, जो कि गुजरात में है। ठीक है, यहाँ से जो वैकेंसी निकल के आई एम्स की वैकेंसी निकल के आई है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, लाइब्रेरी की वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं, टोटल एक पोस्ट के लिए है। और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है 7/10/2023 को एडवर्टाइजमेंट हुआ है। तो यहाँ से लेकर के 30 दिन तक जो आपको होने वाला, आगे 30 दिन, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आप मान लीजिए कि 6/11/23 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका लास्ट डेट आपका यही है, 6/10/6/11/2023 होने वाला। ठीक है, आइए आपको दिखाते हैं कि इसमें कौन सा पोस्ट इसमें आया हुआ है। तो आप यहाँ देखिएगा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का पोस्ट निकल के आया है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें टोटल आपको कितना पोस्ट है। टोटल आपको एक पोस्ट रखा गया है। ठीक है, जनरल पोस्ट रखा गया है, एक पोस्ट। इसका एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जाना अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ ओबीसी और जनरल वाले नहीं, सिर्फ जनरल वाले आएंगे, ओबीसी वाले नहीं आएंगे। ठीक है, सिर्फ जनरल वाले पे अप्लाई कर सकते हैं। आइए इसमें देखते हैं क्या क्या इसके स्पेशल क्वालिफिकेशन है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ देखिएगा। इसमें कह रहा है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, मतलब आपने बीएस बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, मतलब आपने बिलिस करना होना चाहिए। ठीक है, अगर बिलिस किया है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर कह रहा है बीएससी डिग्री होना चाहिए, मतलब आपने बिलिस से पहले एक डिग्री होता है बीएससी का, जिसमें बैचलर ऑफ साइंस कहते हैं। ठीक है, आपने उसका डिग्री अगर लिया है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि विथ 2 इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी अंडर सेंट्रल स्टेट, मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है लाइब्रेरी के फील्ड में। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर्स, आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको कह रहा है डिजायरेबल में कह रहा है इसको कि कंप्यूटर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपने DCA का भी कोर्स आपने किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया तो कोई भी दिक्कत नहीं, फिर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आइए नीचे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। इसमें आप नीचे आइएगा तो उसका देखिएगा, इसको कट ऑफ डेट जो कहा जा रहा है कि कब होगा, तो कट ऑफ डेट के लिए उसको बताया जा रहा है कि कुछ साइट पर चेक करते रहना होगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी इसका लास्ट डेट एप्लीकेशन कब है, तो जिस दिन एप्लीकेशन निकला है उसके 30 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये 7/10 को निकला है। ठीक है, तब इसको आगे 30 दिन 6/11 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया है, देख सकते हैं कि इसमें OBC का जो पोस्ट आया है और अनरिजर्व का UR का जो पोस्ट है उसका 3000 रुपये पोस्ट रखा गया है। ठीक है, और SC ST के लिए है वो 1500 है। यहाँ पे SC ST का तो पोस्ट है ही नहीं, सिर्फ आपका जो भी पोस्ट आया हुआ है आपका जनरल का पोस्ट आया है, तो जनरल वाले जो भी भरेंगे एक पोस्ट के लिए उनको 3000 रुपये देना होगा, एम्स का है। ठीक है, ये गुजरात का पोस्ट है, आप इसे भरना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है आगे देखते हैं क्या है, इसमें कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए तरीका है कि आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा, इस लिंक पर जैसे क्लिक करिएगा तब एक पेज खुल जाएगा, मैं आपको फिर पेज खोल के दिखा भी देता हूँ। ठीक है, कैसे इसको अप्लाई करना है तो आइए मैं देखते हैं, इस लिंक पर क्लिक करते हैं। इस लिंक पर क्लिक करते ही देखिए आपका लिंक खुल रहा है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिंक खुल गया है और इस 3 लाइन पर क्लिक करिएगा, आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पे आना है, रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आ जाएगा डेट, ये आप देख सकते हैं नीचे में, यही वाला है ना, ये वाला आपका है। इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर नहीं क्लिक करना है, आपको यहाँ पर इसका देख सकते हैं 7/10 का निकला हुआ है और इसका जो लास्ट डेट लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं 6/11/2023 को है, जो कि 5 बजे तक, उसको 5 बजे तक ही इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिंक पहले ओपन करना है, फिर यहाँ पर अपना कॉलेज डीएम, मतलब जितना भी कॉलेज का अपना सर्टिफिकेट है सब यहाँ पर होगा। फिर आपका कैविएट नोटिस, ठीक है, फिर आपका कॉलेजियम 2, यहाँ पर सारा ये सब आपको भरना होगा। ठीक है, आप यहाँ देखिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिएगा तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको मांग रहा है ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो आपके पास ईमेल आईडी पासवर्ड तो अभी नहीं होगा क्योंकि आपने अभी नया है, तो आप यहाँ से रजिस्टर नाउ पे क्लिक करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं, आपका देखिए कैसे खुल रहा है आपका पेज। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं, आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अपना नाम
ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और एक अपना पासवर्ड लगाना होगा, ठीक है, जो 8 कैरेक्टर का होगा, जिसमें एक कंफर्म पासवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्टर करते हैं, आपके पास यूजर आईडी आ जाएगा, ठीक है, और एक पासवर्ड आ जाएगा, फिर आप उस पर लॉगिन करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द 6/11 से पहले आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अभी इसमें पास आपके पास टाइम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।